फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि नाम है उसके हिसाब से तो ये समझ में आता है कि ये कोई स्पेस है, ऐसा स्पेस है जिसके अंदर अगर किसी तेज चार्ज को, किसी छोटे से चार्ज को रखा जाए तो वो तेज चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकता है ना। लेकिन जिस तरह से अगर कोई स्पेस में साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ है ना, तो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, किसी पॉइंट पर आप जाकर सुनेंगे तो साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी पॉइंट पर आप सुनेंगे तो साउंड की इंटेंसिटी कम होगी। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होता है, किसी पॉइंट पर कम होता है, किसी पॉइंट पर ज़्यादा होता है। तो एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और कई जगह पर सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो मतलब हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मतलब तो स्पेस भी हो गया, लेकिन कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है ना। तो अगर उसके स्ट्रेंथ को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, मतलब हम बात करते हैं किसी स्पेस में, किसी फील्ड में, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना हो, उसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो यहां पर डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। जैसे अगर हम लोग कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मैं एक मान लेता हूं कोई पॉइंट चार्ज है ना, ये जो है एक पॉइंट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, मतलब इसके सराउंडिंग में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है। इस स्पेस में कहीं भी कोई दूसरा चार्ज या कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे तो उस पर ये फोर्स लगाएगा, इस फील्ड के बाहर उस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो जितने स्पेस में ये फोर्स लगा सकता है उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इस स्पेस के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो क्यू है यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखता हूं, तो ये जो सोर्स चार्ज है इसको मैं कहता हूं टेस्ट चार्ज, है ना। ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर ये फोर्स लगाएगा, किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ठीक है। तो जिस इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है ना, यहां पर क्या बताया गया कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, वो भी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू एफ, ई का वैल्यू ये था, उसमें क्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर, है ना। अब ये जो डिफिनीशन बताया गया है, इस डिफिनीशन में दो चीजें ध्यान देने वाली है, एक तो ये है कि यूनिट और पॉजिटिव चार्ज लिया गया, साथ में ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा ही स्मॉल होना चाहिए, अगर ये स्मॉल नहीं होगा, बड़ा होगा तो क्या करेगा, ये जो चार्ज है, जो ओरिजिनल सोर्स चार्ज है, इसका जो अरेंजमेंट है, इसका जो सिस्टम है, उसको जो है ये बिगाड़ सकता है, इधर उधर कर सकता है, और इधर उधर करने से किसी पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होना चाहिए हो सकता है वो चेंज हो जाए, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल लिया जाता है। पॉजिटिव और यूनिट और पॉजिटिव क्यों लिया जाता है ना, कहा जाता है कि अगर ये यूनिट रहेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा,
तो अगर यूनिट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के बराबर बता दिया। क्यू का वैल्यू अगर इसमें कहें, इसमें क्यू का वैल्यू वन कर देंगे आप, स्मॉल क्यू का मतलब यूनिट रखने का मतलब क्यू का वैल्यू वन रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर वैल्यू आ जाएगा फोर्स जो है के क्यू आई आर स्क्वायर। पॉजिटिव इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डायरेक्शन भी सही बताएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आएगा अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे तो। अगर बाय चांस ये निगेटिव चार्ज होता तो फोर्स ये उस पर इधर की तरफ लगाता जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लगता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेने से कभी भी किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां पर रखेंगे, है ना। तो जैसे यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो ये उस पर फोर्स किधर लगाएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मुझे पता करना हो कि यहां पर फील्ड का डायरेक्शन किधर है तो मैं यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। तो पॉजिटिव इसलिए लिया गया है ताकि फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आए, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स आ जाए इसलिए। और टेस्ट चार्ज का मतलब यह हो गया कि स्मॉल चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली में इस फील्ड की प्रॉपर्टी है, ये जो हमने टेस्ट चार्ज लाया है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्यू से इंडिपेंडेंट है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट इनसाइड इट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज हम कुछ भी रखें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर उतना ही रहेगा। अगर मुझे किसी पॉइंट पर फोर्स निकालना हो, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे, जो टेस्ट चार्ज होगा क्यू और जिस पॉइंट पर हमें उस पर फोर्स निकालना है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये फोर्स निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वन, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टू, तो जब यहां पर मैं फोर्स निकालूंगा यहां पर तो ये लूंगा क्यू और यहां का स्ट्रेंथ लूंगा ई वन, है ना। यहां पर स्ट्रेंथ अलग हो सकता है इसके कारण से, यहां पर अलग हो सकता है। अगर मुझे यहां पर फोर्स निकालना होगा, मतलब इस पॉइंट पर यहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं और उस पर फोर्स निकालना है तो लिखूंगा चार्ज q और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है e2, है ना। तो इस स्पेस में डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकता है, तो जिस पॉइंट पर हम लोग चार्ज रखते हैं इस पर फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इस चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो गया टेस्ट चार्ज, और जिस पॉइंट पर इसको रखा गया चार्ज को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस स्पेस में जो भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है, फोर्स जरूर जो है दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होगी, उस पॉइंट की भी प्रॉपर्टी होगी साथ में इस चार्ज की भी प्रॉपर्टी होगी, है ना, क्योंकि पॉइंट चेंज करने से फोर्स चेंज हो जाएगा या ये चार्ज चेंज करने से भी फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। तो फोर्स जो है उनकी कंबाइंड है, लेकिन अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की तो स्पेस में उस पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो फोर्स हो गया इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर
जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। ठीक है,